नगर निगम कार्यकारिणी समिति के रिक्त पड़े 6 सदस्यों का चुनाव निरस्त होने के बाद शुक्रवार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव अपने अपने समर्थकों के साथ नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह से मुलाकात किया और चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वाले दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग किया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकारिणी के चुनाव में गलत वोट पड़ा है, लोकतंत्र के अपहरण का कार्य हुआ है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। चुनाव अधिकारी अमरीश बहादुर पाल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया दूषित होने के कारण स्थगित कर दिया गया है, किसी ने एक वोट ज्यादा डाल दिया, दोषियों के विरुद्ध FIR किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश यादव और चुनाव अधिकारी अमरीश बहादुर पाल ने कहा, जैसे हमको मालूम हुआ, हम देखते मतगणना पहले ही आकर के तुरंत बताए, मेरा स्तर का पता लगा तो चुनाव को उसी समय कर दे, उसके बाद पोलिंग हुई है, पता तो बाद में चला ना कि इनका वोट पड़ा हुआ है, जैसे नहीं आया था उसके भी वो पड़ गया, ऐसी आशंका है क्योंकि उसके नाम बैलेट पेपर इशू हुआ है, बैलेट पेपर होना ही करता है प्रक्रिया को, तो चुनाव कराया जाएगा और जो जो उसने जितने गलती की उसके खिलाफ FIR होने जा रही है, जो व्यक्ति था जिसको कोई पहचानता न हो, इसीलिए तो इसको तुरंत निरस्त किया गया चुनाव अधिकारी द्वारा। निरस्त करने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई, भले से चुनाव 2 दिन 4 दिन 10 दिन टल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि कौन सा व्यक्ति इस तरीके से था, उस व्यक्ति को खोजा कार्यकारिणी के चुनाव में 7 प्रत्याशी थे और उन 7 में 3 भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही थी, 2 समाजवादी पार्टी लड़ा रही थी, 1 कांग्रेस और 1 निर्दल था। उसमें देवेंद्र सिंह MLC जो भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनकी जगह पर कूट रचना करके और 1 बैलेट पेपर चुनाव अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया किसी एक व्यक्ति को और वह जा करके उसमें वोट डाला। मामला यही है कि ये गलत वोट पड़ा है, दस्तखत जिसकी है, जिसको वोट दिया गया और जिसने पाया, ये 3 लोग संलिप्त हैं और इन 3 लोगों के खिलाफ और ये जो अधिकारी ने दिया वो 4थे व्यक्ति हैं, इन 4 लोगों पर 419(20) की धारा बनती है, ये लोकतंत्र के अपहरण का काम किए हैं तो उस पर सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोगों की ये मांग है जी किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और उनके पास CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसमें सब प्रूव्ड है कि किस व्यक्ति ने किया है। और जाहिर सी बात है कि अगर BJP के MLC के नाम पर वोट डाला गया है तो BJP के ही किसी व्यक्ति ने डाला है, किसी दूसरे ने नहीं डाला है। मांग किया जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया को ध्वस्त किया गया, एक पूरा साजिशन के जो इस व्यक्ति का वो खरीदा गया, जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति आया ही नहीं, 73 वोट हुए और 74 MLC जी का क्या किया, आखिर वो सिस्टम में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो MLC को नहीं पहचानता है। ये तो मैं जानता हूँ कि ये टोटल एक साजिश है जिस साजिश के तहत ये चुनाव टाला गया, और मैं मांग करता हूँ, नगर आयुक्त साहब से भी कहा, मैंने मेयर साहब से भी कहा कि पहले उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो व्यक्ति इतना गंदा काम किया है। चुनाव टले 2 दिन 4 दिन टले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव जो भी हो वो बड़ी साफ तरीके से होना चाहिए। आप आश्वासन मिला है कि उसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे से पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति जो है इस तरीके से कार्य किया है, पहले उसको चिन्हित होकर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और फिर चुनाव होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया दूषित होने के कारण स्थगित कर दिया गया, कब सर हुआ ये? कल शाम को 4 से 6 के बीच में होना प्रस्तावित है। फॉल्ट क्या पाया गया? फॉल्ट पाया गया कि चुनाव प्रक्रिया दूषित हो गई थी, 1 वोट किसी ने ज़्यादा डाल दिया। सर कोई कार्रवाई भी होगा? हाँ, FIR कराया जा रहा है और दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी हो रही है।